इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। नाम निदान अपार भगता मन बसे, नाम निदान अपार भगता मन बसे, नाम निदान अपार भगता मन बसे। जन्म मरण मो दुख, जन्म मरण मो दुख साधु संग न से, नाम निधान अपार भगता मन बसे, नाम निदान अपार भगता मन बसे। जन्म मरण मो दुख, जन्म संग न से, नाम निधान अपार भगता मन से, नाम निधान अपार भगता मन से। सब पूर गाली होछियां, नाम बिना सब पूर गाली होछियां, नाम निधान अपार भगता मन बसे, नाम निधान अपार भगता मन से।
सुख न पाएन मूल नाम विचुनिया तार माया तंदया नरक सुरग अवतार माया तंदया नाम निधान अपार भगता मन वसे नाम निधान अपार भगता मन वसे जन्म मरण मोह दुख जन्म मरण मोह दुख साधु संग न से नाम निधान अपार भगता मन वसे नाम निधान अपार भगता मन वसे नानक चावे गुण गावा दिन रात नानक चावे नाम निधान अपार भगता मन वसे नाम निधान अपार भगता मन से जन्म मरण मोह दुख जन्म मरण मोह दुख साधु संग न से नाम निदान अपार भगता मन वसे नाम निदान अपार भगता मन वसे नाम निदान अपार भगता मन वसे भगता मन वसे भगता मन वसे वाहे गुरु। कर कृपा रब बिनो सुनीजे पंक्तियों को गाते वक्त बोलते वक्त समझते वक्त मन में ये भाव लाना कि बाबा आनंद सिंह जी के चरण धूल मांग रहे हैं, पूर्ण महापुरुष संत अतर सिंह जी मुस्तफा वाले के चरण धूल मांग रहे हैं, पूर्ण महापुरुषों के चरण धूल मांगी गई है यहाँ पर। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर कृपा रब बिनो सुनीजे कृपा रब बिनो सुनीजे
विश्राम में क्यों नहीं आता? क्योंकि मन जब तक दौड़ रहा है, जब तक मन दौड़ रहा है, टिकाव में नहीं है, सुरत धुन से नहीं जुड़ पाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसमें रुकावट क्या है, आओ इसे समझने की कोशिश करें। हमारे पांच कर्म इंद्रिय हैं और पांच ज्ञान इंद्रिय हैं। यहाँ पर आज बात करेंगे ज्ञान इंद्रियों की। कर्म इंद्रियों की हम पिछले चालीये में बात कर चुके हैं, अगर किसी को समझना हो तो पिछला चालीया को सुन ले। हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिय कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ, रसना जिसे कहते हैं, और त्वचा। इसे इंग्लिश में अगर समझना हो, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड टच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। ये बाहर का सारा ज्ञान इन इंद्रियों की वजह से भीतर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आंख देखती है, कान सुनते हैं। ध्यान भटकने के पांच कारण। आंख देखती है, ध्यान भटकता है। कान सुनते हैं, ध्यान भटकता है। नाक सूंघता है, ध्यान भटकता है। जबान चस्का लेती है, ध्यान भटकता है। और टच छूने से तो ध्यान भटकता ही भटकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबाणी में इन पांच इंद्रियों को दो प्रकार से डिवाइड करके बताया गया है। बड़े बड़े प्यारे विषय है ये। पाचा कहती हैं ये पांच ज्ञान इंद्रिय तेरे सबसे बड़े शत्रु भी हैं, तेरे सबसे बड़े मित्र भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तो इन्होंने तुझ पर काबू करके रखा है तो ये तेरे शत्रु है सबसे बड़े, और अगर तूने इन पे काबू पा लिया तो इनसे बड़ा मित्र कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, इन पांचों को पांच सखियों का दर्जा दिया है वाणी में। पांच सखियां, पंच सखी मिल मंगल गाया, अगर ये तुम्हारे बस में हो जाए, अगर ये बस में आ जाए, नाम जपने से जो होता है, अगर ये बस में आ जाए जो संतों के संगत से होता है, अगर ये बस में आ जाए अमृतले उठने से, गुरु के वचन मानने से जो होता है, अगर ये पांच ज्ञान इंद्रिय बस में आ गए, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, टच, तो ये पंच सखियां हैं। गुरबाणी इन्होंने गुरबाणी में इन्हें पंच सखियों का दर्जा दिया है। पंच सखी मिल मंगल गाया, अगर ये बस में आ गई, मिल गई तुम्हारे साथ, फिर क्या होगा? अनहद बाणी नाद बजाया। ये जो अनहद नाद सुनने के लिए साधु महात्मा ऋषि मुनि जो कंदरों में बैठे हैं जन्मों से, कई युगों से, कई सालों से, उन्हें शायद मिले ना मिले पता नहीं, पाचा कहते हैं अगर तूने इन्हें बस में कर लिया
तो अनहद बाणी नाद बजाया। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, फिर क्या होगा, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रहन निम विहानी। पूरी पूरी ध्यान से समझना, अगर ये बात हो गई तो मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। यहाँ पर बैराग वो नहीं, एक बैराग होता है जो गुरु के प्रति बैराग उदासीनता, ये वो नहीं, गुरु को पाने वाला बैराग नहीं, जो दुनियावी बैराग की बात की गई, जो मन दुखी होता है, चिंतित तो होता है, विचलित तो होता है। अगर ये पांचों मिल गई और सुरत अनहदनाथ से जुड़ गई तो फिर तेरे जीवन के सारे दुख खत्म। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख, जाके हर वसिया मन माही, ताके दुख सुपने भी नाही, ताको दुख सुपने भी नाही, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये पांचों बस में आ गए, ये पांच शत्रुओं को अगर हमने अपनी सखियां बना लिया, यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ अब इसे डिटेल में समझे, ये होगा कैसे, थोड़ा सा वो भी समझ लें। ये एक अक्षर ये करामात कर सकता है, एक अक्षर। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। श्वास अंदर वाहे गुरु, श्वास बाहर वाहे गुरु, चमत्कार हो जाएगा अगर ये हो गया तो। ये साधना कर लेते, तैयार हो रहे आईने के आगे खड़े हैं, मन जुड़ जाए गुरु नानक के चरण में, पाछा तूने ये रूप दिया, ये आंखें दी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन शुरू हो जाए, शुक्राना, चमत्कार हो जाएगा। गाड़ी चला रहे हैं फालतू बातें करने से बजाय, हेडफोन लगा के गाने सुनने के बजाय अगर सिमरन चल रहा है, वाह गुरु वाह गुरु, मूल मंत्र चल रहा है, श्री चौपाई साहब जी का पाठ चल रहा है, वाणी चल रही है, कीर्तन चल रहा है, तो ये चमत्कार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसे बस में करना है, इन पांचों को बस में कैसे करना है, एक ही तरीका है, एक ही बस, दूसरा कोई नहीं। वाहे गुरु, स्नान कर रहे हैं, मग भरकर अपने पे डाल रहे हैं। अगर बाणी चालू है तो ये तीर्थों का स्नान हो रहा है बाथरूम के अंदर ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। बाणी के साथ स्नान, तीर्थों का स्नान, हर चीज में बाणी को शामिल कर लो। भोजन खा रहे हो बाणी, पानी पी रहे हो बाणी। दास यहाँ पर सबको हाथ जोड़कर एक बेनती करता है, जो दास यहाँ पर बोल रहा है आप लोगों को, 100% दास भी नहीं चल पाया आज तक। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक उम्मीद होती है हर बार, तो जब भी दास संगत को ये कहता है ना कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो मन को शर्म आती है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, तो दूसरों को कह रहे हैं खुद भी कर, और गुरु की कृपा वर्त जाती है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप संगत की आशीष से, आपकी संगत की आशीष ही मुझे तारेगी, और कोई तरीका नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर काम में गुरु का शब्द शामिल हो जाए, हर काम में, तो ये ज्ञान इंद्रिय काबू में आ जाएंगे। ये नाम के सिवाय काबू में नहीं आते। संतों के संगत में होता क्या है, मन नाम जपने लग जाता है, इसे जपना तो पड़ेगा ही, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, कहो नानक है तत बिचारा। संतों के संगत में मेहनत नहीं करनी पड़ती, जपना तो पड़ता है, जपना तो पड़ेगा ही, पर मेहनत नहीं लगती, आनंद से जपता है आदमी, मजबूरी में नहीं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लें। ज्ञान इंद्रिय आंख देख लिया पराया रूप, मन भटक गया,
कबीर जी इसीलिए कहते हैं, कहते हैं अगर धरती को दो कदमों से, तीन कदमों से, चार कदम धरती देखकर चला जा सके तो पांचवें कदम तक मत देखो। प्यार से बोलिए धन गुरनार, कि आंखें पहले पराया रूप देखती हैं, फिर इसके अंदर विकार पैदा होते हैं मन के अंदर। जरिया ये ज्ञान इंद्रिय आंख है। प्यार से बोलिए धन गुरनार, इस आंख ने बड़ों बड़ों को भटका दिया। विश्वामित्र इतने बड़े महापुरुष हुए, इतने बड़े कि इंद्र का सिंहासन डोल गया। इतना तप, इतना घोर तप विश्वामित्र जी ने किया, और आखिर उनका ध्यान भटका कैसे मेनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, आंख खुली मेनका को देखा, मन वासना से भर गया और भक्ति उनकी समाधि टूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना सबने सुन रखी है, हम सब ये बात को जानते भी हैं पर मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये कराएगा कौन नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये बातें करने से नहीं होगा, ये किताबें पढ़ने से नहीं होगा, लेक्चर सुनने से, लेक्चर देने से नहीं होगा, ये नाम जपने से होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आंख, उसके बाद बारी आती है कानों की। इन कानों ने सुन ली निंदा अपनी, मन विचलित हो गया, दुखी हो गया, क्रोधित हो गया। जिसने निंदा की उसे छोड़ेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कान से आवाज अंदर गई, मन विचलित हो गया। निंदा अब किसी ने उस्तत कर दी, मन अहंकार से भर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे निंदा हो चाहे उस्तत हो, जो इन दोनों से ऊपर उठ गया, उस्तत निंदा दो त्याग, जो इन दोनों से ऊपर उठ गया, पर उठाएगा कौन नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बातों से नहीं, मेरे कहने से नहीं कुछ होगा, नाम जपने से होगा। नित नेम संभालो, नित नेम बढ़ाओ, नाम की ताकत को पहचानो। नाम वो कर सकता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, अनहोनी को होने में बदल सकता है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई माने या ना माने, सबने देखा है कोविड के टाइम जब दूसरी लहर आई, जितनी मौतें हुई पहली लहर में उतनी नहीं हुई, बहुत खतरनाक लहर आई। पर गुरु ने तर्स किया, सबने श्री सुखमनी साहब जी की वाणी अखंड पाठ चला दिए, गुरु के वचन माने, श्री जपजी साहब जी के अखंड पाठ चला दिए, वाणी की ताकत देखो चालिया, खत्म होते होते वो कोविड भी खत्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये वाणी की ताकत है, कोई माने या ना माने। इतने फोन आते हैं, इतने चमत्कार होते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, श्री सुखमनी साहब जी के अखंड पाठ शुरू कर दिए गए, चमदूत नहीं आ सके लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, होनी को अनहोनी कर दिया, ठीक होकर बाहर आ गए। यहाँ पर हमारे दरबार की बात है, इस चालिए के भीतर ही एक बीबी, एक लेडीज मेरे पास रोज आ जाए कि मेरा थर्ड स्टेज का कैंसर निकल आया है, वो यहाँ पर ही बाहर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करते है, हाजिरी बढ़ती है। पर कर्म जो 24 घंटे यहाँ पर श्री पांच पाठ चलते हैं गुरु की कृपा से, यहाँ पे तीन श्री सुखमनी साहब जी के, एक श्री जपजी साहब जी का, 125 साहब जी का अखंड पाठ चलते हैं दरबार में कई सालों से। वहां पर एक बीबी रोज पाठ की हाजिरी भरती है, उसे थर्ड स्टेज का कैंसर अचानक डिटेक्ट हो गया, थर्ड स्टेज का कैंसर। वो रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आती है कि कुछ करो, अरदास करो गुरु को। मैंने कहा आप तो श्री सुखमनी साहब जी की वाणी पढ़ते हो, आप तो पूरा भरोसा रखो, गुरु जो करेगा भला ही करेगा, अगर ले जाना है तो ले जाए, रखना है तो रख ले, उसके बाद आप रोज हाजिरी भरते हो, वाणी है आपके पास, नेम बढ़ा लो। उसने नेम बढ़ा लिया, डॉक्टरों के पास भी जा रही है, इलाज भी चालू है, चेकअप भी चालू है कि क्या करना है क्या करना है। साथ संग जी सच्ची घटना दास यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं। कुछ दिनों बाद आती है इतनी हंसते हुए खुशी से कि डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट में से कैंसर गायब हो गया है ही नहीं, अचानक गायब हो गया। वापिस चेकअप कराया जा रहा है ऑपरेशन करने से पहले, तो रिपोर्ट में कैंसर आ ही नहीं रहा। एक बार चेक किया, दो बार चेक किया, डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिया कि तू कहाँ गई थी, क्या किया था तूने,
तो कहने लगी मैंने डॉक्टर से कहा मैंने तो एक ही काम किया था, श्री सुखमणि साहब जी की वाणी जहाँ मैं एक घंटा पढ़ती थी मैंने चार चार छः छः घंटे पढ़ने शुरू कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी की ताकत देखिए, कैंसर जैसा रोग ही गायब हो गया, वो भी थर्ड स्टेज, फर्स्ट नहीं साथ संगत जी, अभी की बात है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो दास तो एक बात बता रहा है, यहाँ पर रोज हजारों होती है, वाणी की ताकत को पहचानो। ये आंख कान ये पांच ज्ञान इंद्रिय बस में आ जाएंगे अगर कोई वाणी को अच्छे से अपना ले, इसकी ताकत को पहचान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है ना, यही डाकू जो हमें लूट रहे हैं, अगर अमृत वेले संभाल के नाम जप लिया यही डाकू सेवादार बन जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु साहब जी समझा रहे हैं, पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाए, ये शत्रु तेरे मित्र बन जाएंगे, तेरी सहेलियां बन जाएंगी, अब इनके साथ तू गाएगा भाव तेरी सुरत धुन से जुड़ जाएगी जिसे अनहद नाद कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसके बाद आता है नाक, खुशबू। हमें लगेगा खुशबू से क्या होता है, खुशबू से इसके ऊपर बहुत बड़ी व्याख्या है एक्चुअली में नाक के ऊपर, तो क्योंकि कान नाक आंखों के बारे में तो सबको पता है, आंखें भटकाती हैं, सबको पता है कि कान भटकाते हैं निंदा सुनी जाती है, पर नाक ये तो जन्म, अगर नाक अगर अपने स्वाद पर चस्के पर काबू ना रहा, खुशबू पर दुर्गंध पर काबू ना रहा तो ये ऐसे भटकाएगी कि जन्मों का अंतर डाल देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके ऊपर बहुत प्यारी घटना है, गुरु नानक पाशा मेरी, मेरे धन गुरु नानक पाशा, बड़ी प्यारी साखी आगे गुरु नानक पाशा की। कभी ना साथ संगत जी सारी जन्म साखी भी लेंगे, एक एक साखी गुरु नानक पाशा के रोज सुनेंगे, गुरु मेहर करे वो प्रकरण नहीं होगा कोई, पर मेरा मन करता है जो बच्चे हैं जो नई जनरेशन है जिन्होंने सुना ही नहीं गुरु नानक पाशा, कितनी प्यारी प्यारी सखियाँ जो नानी माँ हमें बचपन में सुनाया करते थे, मेरा मन करता है मैं संगत को सुनाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन सखियों में कई बार कोई शिक्षा नहीं है पर प्रेम ही प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी चाली में ऐसे करेंगे, किस चाली में श्री जपजी साहब जी के गुरु साहब जी अर्थों की सेवा ले ली। मेरे धन गुरु नानक पाशा लाहौर विराजमान है, लाहौर चले गए, उस वक्त तो भारत में ही होता था लाहौर, वहां पर एक नाम आया है सेठ दुनीचंद खत्री, बहुत बड़ा सेठ है वहां का, हवेली है बड़ी, उसने अपने घर पे श्राद्ध रखा हुआ है, तो सारे महापुरुषों को बुलाकर भोजन खिला रहा है, पंडितों को ब्राह्मणों को संतों को कि खाइए खीर मालपूरे जो जो भी होता है श्राद्ध में सब बनाया उसने, बहुत पदार्थ है। किसी ने बताया कि बहुत बड़े संत पता नहीं कौन है, चेहरे पे इतना जलाल है, जो वहां से गुजरता है रुक जाता है, उन्हें भी बुला लो। दुनीचंद खत्री खुद गया गुरु नानक पाशा को लेने, दर्शन किए मन शांत हो गया तृप्त हो गया, कहने लगा हे जानता नहीं है कौन है सृष्टि के मालिक आए, उसे लगा कोई बहुत बड़े संत है, कहने लगा मेरे घर में चलकर भोजन खाइए। गुरु नानक पाशा कहने लगे किस बात का भोजन रखा है, कहने लगे मेरे श्राद्ध चल रहे हैं मेरे पितरों को भोजन पहुंचे इसलिए मैंने सारे पंडितों ब्राह्मणों को ज्ञानियों को महापुरुषों को भोजन खिला रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्राद्ध है फिर कौवों को भी खिलाना है सबको खिलाना है। गुरु नानक पाशा मुस्कुरा के साथ में चल पड़े और पंगत में जाकर बैठ गए जहां सारे संत महापुरुष बैठे थे उनके साथ बैठ गए। जब उनकी थाली में भी सब कुछ परोसा गया सबके साथ परोसा गया तो गुरु नानक पाशा ने कहा कि तुझे यकीन है ये जो तू खिला रहा है तेरे पितरों को पहुंचेगा, वो कहने का हाँ पुरातन से ये मर्यादा चली आ रही है खिलाने से पितरों को पहुंचता है। गुरु नानक पाशा कहने लगे तेरे पिता तो भूखे बैठे हैं चार दिनों से जंगल में, लोमड़ी का जन्म है बघियाड़ का, चार दिनों से जंगल में भूखे बैठे हैं मरने की कगार पर है, अगर खिलाना ही है तो ये थाली ले जा उन्हें खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये बात जब वहां पर बैठे पंडितों ने सुनी, ब्राह्मणों ने सुनी, जो ज्ञानियों ने सुनी, वो उठ खड़े हुए कि इतनी बड़ी बात कह दी आपने, ये पुरातन मर्यादा है हमारी, आप साबित कर सकते हो आप जो बात कह रहे हो? कह किसे रहे? निरंकार से प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक पाशा मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ मैं साबित कर सकता हूँ। कहने लगे, दुनिचंद खत्री, दुनिचंद एक काम कर, एक थाली ले, उसमें पूड़िया रख, मालपूड़ी रख और खीर रख, और उस मैं तेरे साथ चलता हूँ, सब साथ में चलो। उस बघियार को खिला, बघियार का भोजन है मांस, वो ये सब नहीं खाते, पर तुम्हें विश्वास तब आएगा जब वो ये सब खाएगा। पहली बात कि वो ये सब खाएगा, दूसरी बात वो खाते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं हमारा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। तीसरी बात, जब उसकी आत्मा उस भेड़िए के शरीर में से निकलेगी, तुझसे बातें करेगी और सच खुद बताएगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। सारे पंडित सारे ब्राह्मण साथ में चल दिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात गुरु नानक पाशाह ने कह दी। थाली लेकर दुनिचंद भी हैरान, खीर लेकर मालपूड़ी लेकर पुड़िया लेकर गया है। वहां पर देखता है एक भेड़िया, एक बघियार सर धरती पर रखकर, जैसे कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता, करा रहा है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पाशा दूर खड़े हो गए, इसे कहा, जा खिला। क्या डरने लगा कि ये हमला कर देगा। गुरु नानक पाशा कहने लगे, नहीं तुझे पहचान लेगा, जा खिला। जब पास में गया, थाली आगे रखी, उसी भेड़िए ने उठकर वो सारा भोजन खाया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कोई हमला नहीं किया। उसके बाद खाने के बाद उसी वक्त श्वास त्याग दिए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। और वो ये सच्ची घटना जन्म साखी में लिखी हुई है। आत्मा प्रकट हुई उसमें से और उसने बात की अपने बेटे से कि कहने का, तेरे घर में जो आए हैं ना, कोई आम संत, कोई आम इंसान नहीं, खुद परमेश्वर तेरे घर में आए, गुरु नानक। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। उसी की वजह से आज मुझे मुक्ति मिली है, उन्हीं की वजह से। वो कहने का, पिताजी आपने इतने नेक काम किए, मैंने आपको कभी किसी को धोखा देते, किसी को दर्द देते, किसी को दुख देते नहीं देखा। आपने बहुत दान पुण्य किए, बहुत लोगों को बहुत कुछ बांटा, फिर आपका ये जन्म क्यों बघियार का? बात चल रही यहाँ पर नोज, नाक की। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कि ज्ञान इंद्रिय क्या से क्या कर देते हैं। दुनिचंद खत्री कहने लगा, बेटा ये जो दान धर्म हम दुनिया में करते हैं ना, इसका फल यहीं पे मिल जाता है, ये साथ में नहीं जाता। साथ में जाता है नाम जो मैंने कभी नहीं जपा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। दान धर्म तो बहुत किया, नाम नहीं जपा। इसलिए तो बाणी कहती है सात संगत जी, केवल नाम संग तेरे चल रहे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अबर काज तेरा कितने न काम, बिना नाम के साथ में कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा, चाहे वो दान धर्म क्यों ना हो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कोई दान करता है उसका फल यहीं पे मिल जाता है, उसे कितने गुना ले ले, जैसी उसकी श्रद्धा होती है। अगर दिखा कर भी दान करे, दान करे कोई, तो भी दुगना मिलता है, और अगर छिपा के करे तो गुरु की रहमत। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। पर यहीं पर मिलता है, साथ नहीं जाता। दुनिचंद खत्री कहने लगा, जब मेरा अंतिम समय आया, मैं कई दिनों से कुछ खा नहीं पा रहा था। वो कहने लगा, हाँ पिताजी मुझे याद है, आप नहीं खा पा रहे थे। कहने लगा, जब मैं अंतिम समय आया, मैं नहीं खा पा रहा था, तो पारोस के घर में मांस पक रहा था। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। वो मांस की खुशबू मेरी नाक में आई तो मेरा मन वश पर चला गया कि जीवन में बहुत कुछ खाया पर मांस नहीं खाया कभी, कितना स्वाद होता होगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। मन में ये ख्याल आया, मांस की खुशबू नाक में आई कि मैंने मांस नहीं खाया, इच्छा मांस खाने की रह गई, मेरी मृत्यु हो गई। अब निरंकार ने धर्मराज ने जब लेखा किया तो कहने का, मांस खाने का मन कर रहा था ना, जाओ अब ऐसी जोनी में डालते हैं कि मांस ही खाओगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। ये अतकथनी नहीं है, वाणी से प्रमाणित करती है कि मरते वक्त जहाँ पर ध्यान होता है उस प्रकार का हमारा जन्म होता है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता मैं जय मेरे सबको पता है। अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता मैं जय मेरे वेश्या का जन्म। अंतकाल जो लड़के सिमरे सुअर का जन्म। 8-10 लड़के लेके घूमो अभी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अंतकाल जो मंदिर सिमरे बड़ी हवेली बना लिया, बंगला बना लिया, मन रह गया, रह नहीं सका, थोड़ी देर रहकर मर गया,
वहीं पर प्रेत बन के भटकेगा। वाणी कहती है प्रेत जन्म वल वल अवतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता मैं जिमरे। अगर नारायण अंतकाल में याद आ गया, मदित त्रिलोचन ते नरमुखता पीतंबर वाके हृदय बसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास बहुत शॉर्ट में ले रहा है, समय कम है। कहने की बात है कि अंत समय में जहां पर ध्यान चला जाए, और यहां पर ध्यान चला गया नाक में खुशबू आ गई मांस की, ये तीसरी ज्ञान इंद्री है सबसे खतरनाक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सारे पांच ज्ञान इंद्रियां उसके दुश्मन है जो मनमुख है, जो गुरुमुख है उसकी सखियां है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख कौन? जो नाम जपते हैं। मनमुख कौन? जो नहीं जपते। गुरुमुख कौन? जो गुरु के कहे पर चलते हैं। मनमुख जो अपने मन के कहे पर चलते हैं। गुरु मेहर करे गुरुमुखों की श्रेणी में आ जाए हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब श्राद्धों की बात आई है तो एक बहुत प्यारी घटना भी है। भगत कबीर जी बचपन की घटना देखिए। एक बात यहाँ पर दास बड़ी खुलकर कह दे, मैं किसी चीज पर किंतु परंतु नहीं कर रहा। पुरातन जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं हैं, मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा, पर गुरु नानक पाशाह इसे अलग ढंग से समझा रहे हैं। उस पॉइंट को समझना। गुरु नानक पाशाह एक बात कहते हैं जो कबीर जी ने भी इस घटना में समझाई। पहले घटना को समझ लें। 9 साल की उम्र कबीर जी की, माता ने कहा बेटा तेरे पिता का श्राद्ध है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जा बर्तन दिया, बाजार से थोड़ा दूध लिया, खीर बना के बांटेंगे, पितरों को पहुंचेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ज्ञानी है, भगत है, पूर्व जन्मों के कर्म है। रामानंद स्वामी जी उनके गुरु, सारा ज्ञान है उन्हें। बर्तन लेके चल गए, रास्ते में देखा एक मरी हुई गाय पड़ी है। उन्होंने कुछ घास काटी, खेतों में से इकट्ठी की घास गाय के पास रखी और बैठ गई। माता इंतजार कर रही कि दूध लेके आएगा बेटा। जब काफी समय हो गया, माता निकली ढूंढने, कहाँ है बेटा? थोड़ी दूर जाके देखा कबीर जी बैठे हुए हैं, गाय मरी हुई है, घास रखी हुई है। कबीर जी हाथ में बर्तन लेके बैठे। माता कहती क्यों बैठा है? कहने के माता गाय पहले घास खाएगी फिर दूध देगी, वो दूध लेके मैं घर आ जाऊंगा। माता कहने लगी बेटा तू बच्चा का बच्चा ही रहा, ये गाय मरी हुई है, घास कैसे खाएगी, दूध कैसे देगी, घास नहीं खा सकती। कबीर जी कहने लगे माता ये गाय तो आज मरी है, घास नहीं खा सकती, मेरे पिताजी तो कब से मरे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खीर कैसे खाएंगे? माता को ज्ञान हो गया, माता चुप कर गई। ये ज्ञान की बात है। जो मेरी सोच काम करती है ना सत्संगत जी, मेरी सोच छोटी भी हो सकती गलत भी हो सकती, पर मेरी एक सोच काम करती है कि पुरातन जमाने में जब हमें कुछ करने को कहा जाता था ना, उसके पीछे कारण कुछ और होता था और वजह कुछ और होती थी, कहा हमें कुछ और जाता था। क्योंकि हम सीधे सीधे दान धर्म नहीं करेंगे तो हमें कहा गया कि इस प्रकार खिलाओ, इस प्रकार कौओं को खिलाओ, इस प्रकार इनको खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, इसे खिलाओ। अभी हम दान धर्म करने को तैयार नहीं, पर जिस चीज के साथ धर्म जोड़ दिया जाए, पितरों को जोड़ दिया जाए, हम तो खिलाएंगे। बोलिए धन गुरु नानक। नेक काम कराने का एक तरीका होता था, ये मेरी सोच ये काम करती है क्योंकि, और गुरु नानक पाशाह यहाँ पे समझाते हैं ठीक है अगर पितरों को खिला भी रहे, पर खिलाया किस काम का, क्यों सर्वन कीजिए। पाछा गुरबाणी में फरमा रहे हैं भगत कबीर जी, जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही, जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही, पितर भी बपुरे कहो क्यों पावे कौआ कू कर खाही। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं जब पिता जीवित थे उन्हें तो पाने का गिलास भी नहीं पूछा। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। मरने के बाद खीर पूरी खिला रहे, जीते जी अगर सेवा नहीं की मरने के बाद क्या सेवा करोगे। यहां से बोलिए धन गुरु नानक।
वाणी यहां पर इस पॉइंट को समझना जो वाणी कह रही है। वाणी ये कह रही है कि असल में अगर तुझे अपने पितरों की सेवा करनी है तो जीवत जब है तब कर। जीते जी तो हम उनकी सेवा करते नहीं, निरादरी करते, हर बात को काटते हैं, और मरने के बाद उन्हें खीर माल पूरे खिला रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसी बात हुई? इसीलिए किसी ज्ञानी ने बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही। ये किसी लिखारी ने लिखे हुए लेख है, मुझे बड़ा प्यारा लगा था, श्रवण कीजिए। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिट्टी का नाग बनाकर उसे पूजा करते हैं, और जिंदा नाग दिख जाए तो उसे मारने भागते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी मेंटेलिटी कैसी है कि जीते जी हम किसी की सहायता नहीं करते, जीते जी हम किसी के सुख दुख में साथ नहीं निभाते, मरने के बाद सब आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पूजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दुनिया कितनी बावरी है जो पत्थर पूजे जाए, ये दुनिया कितनी बावरी है जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, जो जीवित हैं उनकी सेवा करो, असल में यही पितर है, असल में यही है, असल में ये समय है, अपने माता पिता का सत्कार कर लो जीते जी। एक छोटी सी बात को समझना, कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अगर कॉमन सेंस की बात करें, कॉमन सेंस की बात, कृष्ण जी कहते हैं जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है उसे दूसरा शरीर मिल जाता है, उसी वक्त, टाइम नहीं लगता, एक चोला छोड़ा दूसरा। और ये वाणी भी कहती है, सारे भगत सारे जितने भी वेद शास्त्र कहते हैं, अब जब वो दूसरे योनि में है तो कैसे खाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ठीक है, आप जिन्हें खिला रहे हो, नाम जपने वालों को, साधु महात्मा को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, वो तो आदर नहीं है, उन्हें तो वैसे ही खिलाना चाहिए, साल में एक बार क्यों, जितनी बार हो सके खिलाना चाहिए, पर मन में ये भाव रख करके अपने पिता का मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, अगर जीते जी सेवा नहीं की मरने के बाद आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस भावना से ऊपर उठ जाओ, इस गलत फहमी से ऊपर उठ जाओ बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसके बाद आता है टंग, जबान, हमने बात की अब तक आंख कान नाक की, अब बात आ गई है टंग जबान की। जबान, अब ये बहुत समय बहुत हो गया है, 10 शॉर्ट में लेके खत्म करेगा। जबान को निंदा का चस्बा भी है, चस्का भी है, स्वाद का चस्का भी है। अब ये अगर इसको लेके बैठ जाए तो बहुत बड़ा प्रकरण बन जाता है कि जबान कितनी खतरनाक है। ये 4 इंच की जबान जिसने महाभारत करवा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधे का पुत्र अंधा, इसके कई पहलू हैं। ये जबान ही है, 2 अक्षर मित्र बना देते, 2 अक्षर शत्रु बना देते हैं। कहते हैं, कहावत है कि तलवार का काटा हुआ भी सिया जा सकता है, जबान का काटा हुआ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चौथा ज्ञान इंद्रा है जो काबू में आएगा कैसे, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मूल दोनी चंद खत्री ने नाम जपा होता, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के वचन, जो अमृत वेला संभालते हैं, शाम का समय संभालते हैं, जब मौत आती है तो उनके आंखों के आगे अंधेरा छाता है, तो उन्हें या तो अमृत वेला याद आता है या शाम का समय याद आता है। अमृत वेला याद आ गया तो एक ओंकार सतनाम श्री जपजी साहब जी की वाणी शुरू हो जाएगी, और अगर शाम का वेला याद आ गया तो हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदाया राम राजे शुरू हो जाएगा वाणी। जहाँ वाणी आ गई वहां गुरु आ गया, जहाँ गुरु आ गया पीतम्बर वाक्य अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मेरे बदित त्रिलोचन तेनार मुक्ता पीतम्बर वाके हृदय बसे। नाम क्या करता है, हमारी सुरती को एकाग्रचित कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में आता है टच, छूना, इसे तो सब समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। इसे ही वाणी में कहा है, पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद वाणी नाद बजाया। अगर ये पांचों बस में आ गए नाम जपने से, वो भी संतों की संगत करके, घालना नहीं घालने से, आराम से सहज में आ ही जाते हैं। जब ये आ गए, अनहद नाद प्रकट हो गया, तेरे जीवन में से दुख खत्म हमेशा के लिए। माने क्यों बैराग करेगा, फिर मन ना रोएगा, न मन उदास होगा, होगा केवल गुरु नानक के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बैराग वो है, एक बैराग दुनियावी है। यहाँ पर दुनियावी बैराग की बात की गई है। न मन उदास होगा, ना दुखी होगा, ना चिंतित तो होगा, अगर अनहद नाद से वाणी मन जुड़ गया, सुरत जुड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चली है दुख। गुरु नानक मेर करे इस चालिये में सारी अरदास करना पाछा, इस चालिये पे सारी संगत पे तरस कर के नाम की भूख लग जाए। कल से सोचा है सोचा नौवे जो सोचे लखवार, श्री जपजी शिव जी के बाने के आगे के अर्थ शुरू हो जाएंगे। ये अरदास करके शुरू करना पाछा, तरस कर तरस कर नाम की भूख लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाई चली है दुख। मन जुड़ जाए तेरे नाम से, सुरत जुड़ जाए नाम से, ये पांच ज्ञान इंद्रिय सखियां बन जाए। तरस कर गुर प्रसाद वर्ता दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जाके हर वसिया मन माही, वसिया मन माही।
रघुपति राघव राजा
प्रीत पावन सीताराम सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा सौखे सौखे साहाली कदमानु राहाली सौखे सौखे साहाली कदमानु राहाली पूरे किते जावाले बनाया तेरे प्यार रोम रोम वसे हुए तेरे ही खुमार ने जिंदगी नू जिंदगी बनाया तेरे प्यार ने रोम रोम वसे हुए तेरे ही खुमार ने अखियां दे नूर ले सुखा विच चूर ले अखियां दे नूर ले सुखा विच चूर ले रू दे सरूर ले शुकराना पल महक गए तेरी एक छोनड़ चंदन जय हो गया तकिया जामो नड़ हर पल महक गए तेरी एक छोनड़ चंदन जय हो गया तकिया जामो नड़ सीने नाल रोंदे साहसों ले सीने नाल लाउन ले रोंदे साहसों ले कर चिव सोन ले शुकराना शुकराना शुकराना
हर पैर तेरी पैड़ ते टिका लवे दास तेरे बोला जही जिंदगी बड़ा लवे पाली हर पैर तेरी पैर ते टिका लवे दास तेरे बोला जही जिंदगी बना लवे दुनिया चो पाल ले आपे ही संभाल ले दुनिया चो पाल ले आपे ही संभाल ले साडे इस हार ले शुकराना जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय।
शिव